अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्निंग पॉइंट 147 में वेलकम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सीएन टोकन के बारे में और उसको फ्री में हम मिंट करके उसको स्टेकिंग पे लगाएंगे और आने वाले वक्त में विद इन मंथ्स हम इससे बहुत ही अच्छा रिवार्ड गेन कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिवार्ड से मुराद थाउजेंड ऑफ डॉलर्स में। तो इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, इसको सीरियस लेके करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको इसके लिए चाहिए होगी फ़ीस। हमने सिर्फ फ़ीस पे करनी होगी, वो भी मीन्स एक डॉलर से भी कम की होगी। और तो आज का ये टास्क स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी हमारे साथ ऑनलाइन अर्निंग में पार्टिसिपेट कर सकें। और आप देख सकते हैं क्योंकि मेरा चैनल न्यू हुआ है तो मुझे आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी फ्री अर्निंग की वीडियोस बनाता रहूं। तो चलिए आज का टास्क हम स्टार्ट करते हैं। एक्सीएन जो कि टोकन लिस्टेड है और इसकी करंट प्राइस ये आप देख सकते हैं 0.506 के राउंड अबाउट है। तो अब इसको हम फ्री में अब क्लेम कैसे कर सकते हैं, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपने सबसे पहले एक्सीएन नेटवर्क पे आके अपना वैलेट कनेक्ट करना है मेटामास्क का। मेटामास्क पे मैं आप अपना पासवर्ड लगा देता हूँ। अगर आपको ये एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करने आती तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को वॉच करें और उनके थ्रू एक्सटेंशन आप ये ऐड करना सीखें। और रही बात ये कि अब हमने यहाँ पे बैलेंस कैसे फीस के लिए लेके आना है, तो वो आप बैलेंस के थ्रू लेके आ सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे मैं आज आपको मिंट करके दिखाता हूँ और लाइव आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कितने डॉलर की हमने मिंटिंग की है, वो भी बिल्कुल फ्री, सिर्फ और सिर्फ फीस पे करके। तो यहाँ पे अपना मैं नेटवर्क सिलेक्ट कर लेता हूँ, पॉलीगॉन लेट्स पर मैं करता हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क है, हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एथेरियम में क्योंकि फ़ीस काफ़ी ज़्यादा डिटेक्ट होगी तो एथेरियम को मैं सुबह कर लूँगा। तो ये पॉलीगॉन आ गया। इसके बाद आपने आना है यहाँ पे मिंट के ऊपर। मिंट पे आके यहाँ पे ये अब स्टेकिंग का आपसे टाइम इंटरवल पूछ रहा है कि कितने दिन के लिए आपने इसको स्टेक करना है। तो यहाँ पे नोट करने की ये चीज़ है कि आप अगर कम डेज सेलेक्ट करते हो तो उसका रिवार्ड आपको स्टेकिंग का कम मिलता है। स्टेकिंग में बेसिकली आपको रिवार्ड इस चीज़ का मिलता है कि आपने इनका टोकन होल्ड किया हुआ है। तो अब क्योंकि हम इनका टोकन होल्ड करेंगे तो इस वजह से ये हमारे टोकन ऐड होते जाएंगे। तो अब मैं ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इनका 461 डेज़ है तो मैं इसको 500 डेज़ कह देता हूँ। 500 डेज़ का मैं कह के आप कम का भी लगा सकते हैं, 100 का भी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उसका रिवार्ड कम होगा। तो मैं स्टार्ट मिंटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये एरर आ गया। चलें बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो है चलें उसी के ऊपर ट्राई करते हैं। इसके ऊपर स्टार्ट मिंटिंग, तो मीन्स 461 से अबव आप डेज सेलेक्ट कर ही नहीं सकते। तो ये एरर इसी वजह से आया था। तो ये आप देख सकते हैं कि फ़ी हमारी कितनी डिडक्ट हो रही है। ये कोई 0.2 डॉलर भी नहीं होगी। तो 0.2 भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, ये काफ़ी लो प्राइस है। इसको हम कंफर्म करेंगे और मिंट कर लेंगे इसको। तो ये आप चेक करें कि हमें एक्सीएन टोकन इतने रिसीव हो चुके हैं मिंटिंग के थ्रू, जो कि हमने फ़ीस पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक ऐसा कह लें 10 रुपये मैक्सिमम फ़ीस पे किए आपने। तो ये हमारे टोकन 13 मिलियन प्लस हैं। तो ये हमने फ्री में क्लेम किया। अगर इनकी आप प्राइस आप देखना चाहते हो तो ये मैं कैलकुलेटर के ऊपर इनकी प्राइस लिखता हूँ कॉपी करके। ये मैं जनाब यहाँ पे लिख देता हूँ, ये प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे जो करंट प्राइस इसकी चल रही है। तो आप ये देखें
$80 के आपने फ्री में क्लेम किए हैं यूट्यूब को, तो ये लेकिन अभी आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमने स्टेकिंग पे लगा दी है। ये 461 डेज़ के बाद हम इनको क्लेम करके इनको हम सेल कर सकते हैं। तो ये आपके इसकी प्राइस अगर डंप भी होती है, अगर डिक्रीज़ हो जाते तो आपको कोई इशू नहीं है, आपके ये टोकन बढ़ते जाएंगे क्योंकि स्टेकिंग पे लगे हुए हैं। तो इसी तरह से अब मैं अपना एक और BSC स्कैन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से स्विच करूँगा मैं इसको। अगेन मैं मिंट पे आ जाता हूँ। अब मैं सेकंड नेटवर्क से इसको क्लेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब लेट्स सपोज इसका मैं कर देता हूँ 200 डेज, तो ये स्टार्ट मिंटिंग पे कहते हैं। तो ये इसकी फीस आप देख सकते हैं 0.3086। तो मैं फ़िलहाल इसको रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि डेज मैंने कम सेलेक्ट किया है, मेरे ख्याल में इतना फ़ायदा नहीं होना, तो इनको मिनिमम भी 300 कर देते हैं। तो अब करते हैं स्टार्ट मिनट। और मेरे पास वैलेट में कितना है 0.0168, तो मैं इसको भी क्लेम कर सकता हूँ, इसको भी कंफर्म कर देंगे। तो ये भी मामूली सी फीस है, तो कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये आप देख लें कि हमें कितने टोकन रिसीव हुए हैं, 18। तो ये देख रहे हैं आप, हमें 2 मिलियन से भी कम टोकन रिसीव हुए हैं। उसके रीज़न ये है क्योंकि हमने डेज कम सेलेक्ट किए हैं, 300 डेज किए हैं, तो इस वजह से इसका हमें रिवार्ड कम मिला। तो आपने डेज मैक्सिमम सेलेक्ट करना है। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये मैंने कम किया ताकि पता लग सके कि कितने टोकन मिलते हैं। इसी तरह अगर हम वैसे एथेरियम की बात करें तो एथेरियम में भी चेक कर लेते हैं कि हमारी फ़ीस कितनी लगती है, लेकिन दिन के टाइम यहाँ पे फ़ीस कम लगती है क्योंकि गैस फीस होती है जो ना, वो रात के टाइम क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो इस वजह से ज़्यादा होती है। तो दिन टाइम इसको ट्राई कीजिएगा, पाकिस्तानी दिन टाइम। इसको अगर मिंट करते हैं हम, तो स्टार्ट मिंटिंग पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे अराउंड अबाउट $2.76 हमें फ़ीस देनी पड़ेगी जो कि बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम नहीं करेंगे। तो आपने एथेरियम को नहीं छेड़ना, इनके अलावा और सब पे कर देना। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली हमारी अपडेटेड वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो उम्मीद है कि इससे बहुत ही अच्छा रिवार्ड हम सबको देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।